एक वक्त वो था जब करीना ने कैट को अपनी भाभी कहा था। यहाँ तक कि रणबीर और कटरीना की शादी में मैडम चिकनी चमेली सॉन्ग में डांस भी करने वाली थी, लेकिन अब मैडम कुछ और ही सोचती हैं। जी हाँ, करीना कपूर ने रणबीर और कटरीना कैफ के रिलेशनशिप पर बोलकर सनसनी पैदा कर दी है। बता दें कि करीना कपूर खान हाल ही में नेहा धूपिया के वॉइस चैट शो नो फिल्टर नेहा में गई थी और उन्होंने वहां जाकर रणबीर कपूर की जिंदगी में आकर जा चुकी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। शो में नेहा ने करीना से पूछा कि उनके हिसाब से रणबीर के लिए दीपिका और कटरीना में से कौन सी बेटर गर्लफ्रेंड हो सकती थी। करीना ने तुरंत जवाब दिया, कोई भी नहीं। इतना ही नहीं, शो में करीना से ये भी पूछा गया कि अगर उन्हें एक अभिनेत्री के तौर पर दीपिका और कटरीना में से किसी को चुनना हो तो उनकी चॉइस क्या होगी। इस पर बेबो ने दीपिका का नाम लिया। वैसे करीना को अब ये क्यों लगता है कि रणबीर के लिए कैट और दीपिका में से कोई बेहतर गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, ये तो वही बता सकती हैं। लेकिन शायद वो ये भूल गई कि करण जौहर के शो में करीना ने ही कैट को भाभी कहकर संबोधित किया था। जानकारी दे दे, रिलेशनशिप ब्रेक के बाद रणबीर दीपिका के साथ तमाशा फिल्म कर चुके हैं, तो वहीं कटरीना कैफ के साथ फिल्म जग्गा जासूस की शूटिंग कर रहे हैं। गौरतलब हो कि रणबीर कपूर अभी हाल ही में नेहा धूपिया के स्टॉक शो में आए थे, जहां पर उन्होंने कहा था कि कटरीना ने उनकी जिंदगी में अच्छा प्रभाव छोड़ा है और वो उनकी लाइफ की इम्पोर्टेंट पर्सन है।